मैं जी पावनी, आप कक्षार्थी बाकी छात्रा आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। पहला प्रश्न, बिहार में कौन सी नदी बहती है? क ब्रह्मपुत्र, ख ताप्ती, ग गंगा या घ गोदावरी? जी आपका उत्तर सही है, गंगा। दूसरा प्रश्न, बिहार में गंगा से कितनी नदियां मिलती है? क एक नदी, ख दो नदियां, ग तीन नदियां या घ चार नदियां? नहीं, आपका उत्तर गलत है, सही उत्तर है चार नदियां। प्रश्न तीन, बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? क कोशी नदी, घ घाघरा, ग गंगा या घ बूढ़ी गंडक नदी? जी आपका उत्तर सही है, गंगा। चौथा प्रश्न, बिहार की गंगा में कितने जिले हैं? क 10, ख 12, ग 15 या घ 17? जी आपका उत्तर सही है, 12। पांचवा प्रश्न, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? क कोशी नदी, ख गंगा नदी, ग सोन नदी या उपर्युक्त में से कुछ नहीं? जी आपका उत्तर सही है, कोशी नदी। प्रश्न छः, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? क 57 किलोमीटर, ख 98 किलोमीटर, घ 99 किलोमीटर या घ 100 किलोमीटर? नहीं, आपका उत्तर गलत है, सही उत्तर है 99 किलोमीटर। सातवां प्रश्न, बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है? क कोशी नदी, ख पुनपुन नदी, ग सोन नदी या घ गंगा नदी? ये आपका उत्तर सही है, गंगा नदी। आठवां प्रश्न, बिहार राज्य में सोन नदी का विधान किस राज्य में हुआ? क पटना जिला, मुंगेर जिला, ग कटिहार जिला या घ जमुई जिला? ये आपका उत्तर सही है, पटना जिला। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत में नेपाल चीन सीमा से निकलती है और हाजीपुर बिहार के पास गंगा में मिलती है? क महानंदा, ख कोसी, ग गंडकी या घ गोमती? नहीं, आपका उत्तर गलत है, सही उत्तर है गंडकी। दसवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी के किनारे नहीं है? क रामगंगा, ख कोसी, घ चैत्र या घ सोन? जी आपका